नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक और इंडोर प्लांट की बात करेंगे। दोस्तों ये एरोहेड प्लांट है, देखिए इसके लीव्स काफी खूबसूरत है और इसकी कुछ वैरायटी और भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ नर्सरी में मुझे वो मिली नहीं। मैंने एक बार देखा था जैसे इस पे जो ग्रीन लाइनिंग है साइड में बॉर्डर पे, उस पे पर्पल कलर की वो लाइनिंग सी थी और इसके अंदर के जो बीच में यहाँ पे उसके रेड कलर की लाइनिंग थी वो ज्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों ये एक इंडोर प्लांट है और इसे सिंगोनियम के नाम से भी जाना जाता है और इसके मोस्टली जो लीव्स हैं वो व्हाइट या व्हाइट ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे कि ये है इसमें व्हाइट शेड है और ग्रीन है। लेकिन एरोहेड की आप कोई भी किस्म ले लीजिए, उनके जो लीव्स हैं वो सेम एक जैसे मिलेंगे, यानी कि एरो के जैसे मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी शेप, देखिए आपको ये जो एरो का निशान होता है वैसे है, ये देखिए, इसीलिए इसका नाम एरोहेड पड़ा है, ये देखिए। तो अगर आप दूसरे कलर में भी लेंगे तो उसकी शेप भी आपको ऐसी मिलेगी। दोस्तों ये प्लांट जो मनी प्लांट है उसी की तरह ग्रोथ करता है। दोस्तों ये प्लांट हम हैंगिंग पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको हैंगिंग पॉट के अंदर यूज करेंगे तो देखिए काफी खूबसूरत लगेगा, बिकॉज इसके जो लीव्स हैं ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है नीचे की तरफ झुक जाते हैं, तो जब हैंगिंग पॉट से इसके लीव जब नीचे की साइड झुके होंगे तो प्लांट काफी खूबसूरत लगेगा। मैं नेक्स्ट टाइम, अभी मेरे पास जो ये प्लांट है ये छोटा है और जब नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा बड़ा प्लांट लेके आऊंगा तब इसको हम हैंगिंग पॉट के अंदर यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा। और इसको हम जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसके नीचे के जो लीव्स है वो हम रिमूव कर देंगे और ऊपर के जो लीव्स रखे कुछ इसको हम जो टेबल टॉप होता है वहां पे भी रख सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा मैंने एक जो टेरेरियम बनाया था उसके अंदर मैंने एक प्लांट यूज किया था, तो वो प्लांट मैं आपको बता दूं मैं कहां से लेके आया था। जैसे कि आपको इस प्लांट की जो पॉलिथीन बैग है इसके अंदर एक छोटा सा प्लांट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। ये क्वेरी भी मेरे पास आई थी कि मैंने वो कौन सा प्लांट यूज किया था, तो दोस्तों ये देखिए काफी खूबसूरत प्लांट है ये भी। और ये एक तरह से जो अनवांटेड ग्रास होती है वैसे है ये, यानी कि अपने आप उगाता है, लेकिन ये काफी खूबसूरत है और ये टेरेरियम के लिए बेस्ट है ये प्लांट, बिकॉज इसकी जो रूट्स है वो ज्यादा फैलती नहीं। इसकी जो रूट्स होती है उसमें क्या होता है, एक छोटा सा इसका बल्ब होता है उससे ये ग्रो होता है। और ये प्लांट ऐसा है अगर आप इसको टेरेरियम में यूज करेंगे तो ये इतना एक्टिव रहेगा, इसको हल्के मॉइस्चराइजिंग से ये एक्टिव रहेगा, तो ये आप टेरेरियम में यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम बात कर रहे थे इस प्लांट की, मैंने बीच में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया, अब हम बात करते हैं एरोहेड प्लांट की। दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अंदर थोड़ी सी जो पॉइजन की मात्रा भी है, तो इसको बच्चों से और अपने पेट से थोड़ा दूर रखें। और दोस्तों हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इसकी केयर कर सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं इसको एक पॉट के अंदर भी लगाऊंगा, तो पहले हम इसकी थोड़ी केयर की बात करते हैं कि कैसे हम इसकी केयर कर सकते हैं। दोस्तों ये एक इंडोर प्लांट है और ये प्लांट जो ये वैरायटी जो मैं लेके आया हूँ ये लो लाइट के अंदर भी ग्रो कर जाती है, यानी कि लो लाइट के अंदर भी ये सर्वाइव करती है। अगर आप इसे मीडियम लाइट के अंदर रखेंगे तो ये और भी अच्छे से ग्रो करेगा। दोस्तों एक मैं आपको बता रहा था कि एक लीव्स, एक इसका प्लांट ऐसा होता है जिसके लीव्स जो पर्पल कलर के होते हैं, पर्पल कलर की शेड होती है उसके अंदर, बीच के अंदर व्हाइट होगा और साइडों में पर्पल शेड होगी। तो अगर आपके पास वो प्लांट है तो उसको आप हाईलाइट के अंदर रखिए, वो हाईलाइट के अंदर अच्छे से ग्रो करेगा। उसको लो लाइट में ना रखें, लो लाइट के अंदर उसको रखेंगे तो उसके जो लीव्स हैं वो थोड़े से मुरझाए से लगेंगे, यानी कि प्लांट आपका जो है वो एक्टिव नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास वो वाली वैरायटी है तो उसको थोड़ा लाइट में रखे, यानी कि जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट अच्छे से आती हो वहां पे रखिए। दोस्तों इसे आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ना रखें, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखने से क्या होगा, इसके जो लीव्स हैं वो ग्रे होने लगेंगे और जो प्लांट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा मुरझाया हुआ सा लगेगा जैसे सूखा हुआ हो। तो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इसको ना रखें, ये एक इंडोर प्लांट है, इसको इंडोर ही ग्रो करें। अगर आप इसको गार्डन के अंदर यूज करना चाहते हैं, यानी गार्डन में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। इस प्लांट को आप अगर आपके गार्डन में कोई बड़ा ट्री है तो उसके नीचे लगाइए बिल्कुल शेड के अंदर, तो ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। यानी कि जैसे जो ट्री होती है उसके चारों तरफ आप क्यारी टाइप में जो मैं बनाता हूँ
उस तरह से उसके चारों तरफ खुदाई कर दें और उसके चारों तरफ इस तरह के प्लांट या और कोई जो इंडोर प्लांट है वो लगा सकते हैं। उससे क्या है जो गार्डन का लुक है वो भी अच्छा आएगा, यानी कि बड़ी ट्री जो है उसके जो स्टेम है उसके चारों तरफ, उसके ट्रंक के चारों तरफ आप इंडोर प्लांट लगा सकते हैं, जैसे कि ये प्लांट हो गया, क्रोटन हो गया, इंडोर और भी कुछ प्लांट्स आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या है आपका जो गार्डन है उसका लुक अच्छा आएगा और इस तरह से आप ये प्लांट भी आउटडोर ग्रो कर सकेंगे। दोस्तों एरोहेड को आप अच्छे से वाटरिंग करें, यानी कि एक बार जब आप वाटरिंग करें इसके अंदर तो पूरा वाटरिंग करें, ये नहीं कि आप सिर्फ इतना वाटरिंग करें कि जो ऊपर का जो सॉइल है वो उसी सॉइल के अंदर वाटरिंग जाए और नीचे का सॉइल ड्राई रहे, बिकॉज ऐसा होगा तो क्या होगा इसकी जो रूट्स है वो डैमेज हो जाएगी और जो प्लांट है आपका मर जाएगा। तो जब आप वाटरिंग करें तो प्रॉपर करें, इतनी करें कि जो सॉइल है वो सारा वाटर को सोख ले, और नेक्स्ट वाटरिंग आप तभी करें जब जो ऊपर का टॉप सॉइल है वो 50% तक ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आप इस पे नेक्स्ट वाटरिंग करें। जब इसको वाटरिंग की जरूरत होगी, यानी कि आपने इसके अंदर अगर वाटरिंग नहीं की और इसको वाटरिंग की जरूरत है तो इसकी जो लीव्स हैं ये थोड़े से मुरझा के इस तरह से नीचे की साइड हो जाएंगे, और इसका एक्सपीरियंस आपको जब हो जाएगा जब आपके पास ये प्लांट होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसको कब वाटरिंग की जरूरत है। मैं मोस्टली मेरे सभी प्लांटों का उनको देख के पता चल जाता है कि किसको वाटरिंग की जरूरत है। जब आप प्लांट के साथ ज्यादा टाइम रहते हैं, यानी कि प्लांट पे ज्यादा केयर करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्लांट आपको बोल के कह रहा है कि अब मुझे वाटरिंग की जरूरत है, तो ये आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप प्लांट रखना स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, और जैसे ही इसमें अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो इसकी जो रूट्स है वो डैमेज हो जाएगी, रूट्स इसकी ओवर वाटरिंग से सड़ जाएगी और प्लांट आपका मर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो वाटरिंग का बैलेंस है वो बना के रखें, जैसे कि मैंने बताया जब ऊपर का टॉप सॉइल 50% ड्राई हो जाए उसके बाद ही वाटरिंग करें। दोस्तों इसको स्प्रिंग और समर के अंदर आप 2 वीक के अंदर एक बार फर्टिलाइज कर सकते हैं, और अगर आप सर्दियों में फर्टिलाइज करना चाहते हैं तो मंथ में सिर्फ एक बार फर्टिलाइज करें। आप इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं और आप इसके अंदर ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 1-2 वीडियो के अंदर आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाना बताया था, जो कि हमने सरसों की खल से बनाया था और एक हमने जो कंपोस्ट थी है वो बनाई थी। तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आप मार्केट से लाके यूज करें तो वो भी आप ला सकते हैं। अगर आपको लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं वो वीडियो देखना है तो मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं वीडियो के जो एंड में जो लिंक होते हैं वो सारे वीडियो के रिलेटेड लिंक डालता हूँ, यानी कि जो वीडियो आप देखते रहते हैं उसी के रिलेटेड मैं लिंक एंड में डाल दूंगा, तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो के एंड में आप जरूर वो लिंक देखिए। दोस्तों इसके लिए ऑर्गेनिक सॉइल यूज करें जो वेल ड्रेन हो, यानी कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल आप यूज करें और ऐसा हो कि वो वेल ड्रेन हो, वाटर अच्छे से ड्रेन होना चाहिए। तो उसके लिए आप उसके अंदर सैंड यूज कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक के लिए आप कोई भी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या गोबर खाद ये यूज कर सकते हैं। मैं इसके अंदर जो सॉइल यूज करने वाला हूँ मैं सिंपल सॉइल यूज करूंगा, जो सैंड है यानी कि जो बजरी है वो यूज करूंगा और उसके अंदर गोबर खाद यूज करूंगा। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट है तो वो यूज कर सकते हैं, नीम खली है तो थोड़ा सा वो भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है आपके पास कौन सा चीज अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। प्रोपोगेशन, दोस्तों इसको हम कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं, जैसे कि हम मनी प्लांट को प्रोपोगेट करते हैं तो इसको भी हम कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, तो इसको ग्रो करना काफी इजी है। दोस्तों इस पे स्केल और मेलीवैक्स जो है वो अटैक करते हैं, लेकिन जो स्पाइडर माइट्स होते हैं वो क्या करते हैं इसके जो लीव्स के जो कलर्स होते हैं उनको चूस लेते हैं, जिससे कि जो प्लांट का जो लुक है वो अच्छा नहीं रहता और जो लीव्स हैं वो सारे अनकलर हो जाते हैं, यानी उसमें कोई कलर नहीं रहता और प्लांट की लुक सारी खराब हो जाती है। इसके लिए दोस्तों आप जो घर में बने हुए स्प्रे होते हैं जो इंसेक्ट को मारने के लिए वो यूज कर सकते हैं, या आप मार्केट से ला सकते हैं। मैंने एक नीम ऑयल का वीडियो डाला था, वो आप देख सकते हैं कि घर पे हम कैसे नीम ऑयल स्प्रे बना सकते हैं, वो काफी फायदेमंद रहेगा इसके लिए, उसका वीडियो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। ओके दोस्तों अब हम इसको एक पॉट में शिफ्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पॉट के होल के अंदर जो कोको कोर है वो लगा देंगे, जिससे कि मिट्टी कटे ना। ओके दोस्तों ये हमने लगा दिया। अब इसके लिए जो हम सॉइल यूज करेंगे, मैंने जैसे कि आपको बताया है जो बजरी और जो गोबर खाद है ये दोनों मैं ऐड कर लूंगा। ओके दोस्तों थोड़ा सॉइल डालते हैं पहले इसके अंदर, और जो प्लांट है
उसकी पॉलिथीन बैग को हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, जो छोटा प्लांट मैंने बताया था, जो मैं टेरेरियम के अंदर यूज़ किया था, ये वो है। और इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, बिकॉज ये मेरे काम आएगा। दोस्तों देखिए, इसकी जो रूट्स है वो अच्छे से ग्रो कर रही है, तो हम इसकी जो थोड़ी सी सॉइल है वो रिमूव कर देंगे, बिकॉज जो प्लांट है वो साइड में है और जो रूट वाल इसकी ये इस साइड ज़्यादा है, तो हम इस साइड का जो सॉइल है थोड़ा सा वो रिमूव कर देते हैं। चिकनी मिट्टी के अंदर ये देखिए, इसका जो मेन रूट वाल है ये सिर्फ इतना है, और जो आपको ये रूट वाल दिख रही है बाद में शिफ्ट किया गया है इस बड़ी थैली के अंदर। पहले ये सिर्फ इसके अंदर था और बाद में इसको बड़ी थैली के अंदर शिफ्ट किया गया है। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको पॉट के अंदर रख के देखते हैं। थोड़ा सा हम इसका रूट वाल और कम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका जो रूट वाल है, मेन रूट वाल है, वो अब आपको दिख रहा होगा। ओरिजिनल रूट वाल है वो आपको दिखाता हूँ मैं, चिकनी मिट्टी वाला है, तो हम वही रूट वाल यूज़ करेंगे। और जो ऊपर से जो यूज़ किया था वो हटा देंगे, इससे क्या होगा, जो रूट्स है वो और अच्छे से ग्रो कर पाएगी, नए सॉइल के अंदर अच्छे से ग्रो करेगी। ओके दोस्तों, देखिए ये है इसकी जो ओरिजिनल रूट है, रूट वाल है। ये देखिए मिट्टी आपको दिख रही होगी, ये काली चिकनी मिट्टी है, ये देखिए। तो अब हम इसको पॉट में लगाते हैं। आई थिंक अब यहाँ पे ठीक है। अब हम इसमें और सॉइल ऐड कर देते हैं। ओके दोस्तों, अब हम सॉइल को स्टिक से फिल कर देंगे अच्छे से। और ये ध्यान रखें कि जो स्टिक है वो आप सिर्फ रूट वाल के साइडों में ही स्टिक यूज करें, रूट वाल है जो उस पर ना करें, वरना वो जो मेन रूट वाल है वो टूट जाएगी, और उसके अंदर क्या है, जो रूट्स है वो सॉफ्ट है, तो वो रूट्स टूट जाएगी और प्लांट जो है वो डैमेज हो सकता है। तो हमें सिर्फ जो साइड में हमने इसका सॉइल डाला है वो अच्छे से फिल करना है, ना कि इसकी रूट वाल को। ओके दोस्तों, अब मैं इसको फिंगर से इस तरह से फिल कर दूंगा। थोड़ा सा सॉइल हम और यूज करेंगे। ओके दोस्तों, जो प्लांट है वो हमने लगा दिया है। अब हम इसके अंदर वाटरिंग कर देंगे। एरोहेड के लीव्स को आप स्प्रे करके अच्छे से क्लीन कर दें, ताकि इनकी जो चमक है वो बन जाए। अब मैं इसको इंडोर ही रखूंगा, बाहर नहीं रखूंगा। वैसे भी अभी यहाँ पे सर्दियाँ तेज है, यानी कि ठंड है अभी, तो इसको मैं इंडोर ही रखूंगा। दोस्तों आप भी इस तरह का प्लांट ला के लगा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा प्लांट है। अगर आपको दूसरी वैरायटी मिल जाती है तो वो और भी अच्छी है, उसको भी आप इसी तरह से केयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।